प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैरियर क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने मैथ में एक टॉपिक समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। एक तो जब प्रथम पद और सार्वान्तर दिया हो तो समांतर श्रेणी को बनाना सीखा था, और आज अपने करेंगे अनवा पद निकालने के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हो कि अन्वय पद का फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए वन प्रथम पद होता है, अन पदों की संख्या, और डी होता है सार्व अंतर। तो क्वेश्चन है आपके सामने चार नंबर क्वेश्चन 5.2 चैप्टर का। एक एपी दी हुई है, यानी समांतर श्रेणी आपको दी हुई है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी सीरीज बन रही है उसमें 78 लिखा हुआ है, उसी सीरीज में 78 है, और आपसे ये पूछा है कि वो कौन से नंबर पे होगा। काउंट करके बताना है 1, 2, 3, 4, यानी ऐसे कौन सा नंबर होगा जहां पर 78 लिखा हुआ होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कौन सा पद पूछ रहा है, तो मतलब कौन सा अनवा पद का है, और अनवे पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ए एन बराबर ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो सबसे पहले प्रथम पद लिख लीजिए, सीरीज का प्रथम पद है ए, जिसको आप लिखते हो ए से लिखते हो या ए वन से, वो है 3 दिया हुआ है। सार्व अंतर निकाल लीजिए, सार्व अंतर डी, द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, और द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद करोगे तो 8 - 3 करोगे तो सार्व अंतर कितना आएगा, सार्व अंतर आ गया आपके पास 5। ठीक है, कौन सा पद, यानी 78 है तो मान लेना, माना श्रेणी का अनवा पद 78 है। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन क्या होता है, ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से आपको देखो ए एन अनवा पद दिया हुआ है 78, प्रथम पद भी दिया हुआ है 3, एन का मान जिसका मान पूछा हुआ है, और डी सार्व अंतर भी दिया हुआ है कितना 5। तो फॉर्मूले में मान ही पुट करना है, अनवा पद 78 है तो ए एन 78 और प्रथम पद 3 है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। पक्षांतरण कर लीजिए, पक्षांतरण जैसे ही करोगे तो 78 - 3, और 78 - 3 करोगे तो कितना आएगा 75। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एन माइनस वन इंटू 5 बराबर कितना हो गया 75। ये 3 इधर आएगा तो 78 में से 3 गया, कितना रहेगा 75। अब 5 से उधर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो n माइनस वन बराबर कितना आएगा 75/5, और जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कट के 15, 5 से कटेगा तो 15 आ जाएगा, तो n माइनस वन बराबर है 15। अब फिर पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 + 1 = 16, एन की वैल्यू आपके पास मिलेगी 16, यानी यह कौन सा पद है अनवा पद, यानी पद कौन सा है 16वां, कौन सा पद है 16वां। तो श्रेणी का लिख दोगे, अतः श्रेणी का सोलहवां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन के दो पार्ट है। पूछा हुआ कि एक सीरीज दी हुई है 7, 13, 19, और लास्ट पद इसका दे दिया 205, और इसमें पूछा हुआ है पदों की संख्या, यानी सीरीज बनाई हुई है और आपसे ये पूछा कि पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या पूछे तो सिर्फ एन निकालना आपको, अंतिम पद अनवा पद दिया हुआ है तो क्या करोगे, माना श्रेणी में पदों की संख्या एन है, पदों की संख्या n है। ठीक है, तो अब ए एन अनवय पद का फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या होता है ए वन प्लस में n माइनस वन और इंटू डी। ए एन यानी अंतिम पद या अनवय पद दिया हुआ है कितना दिया, 205, तो लिख दो इसकी जगह 205। प्रथम पद दिया हुआ है कितना 7 प्लस में n माइनस वन इंटू डी, डी कितना आएगा 13 में से 7 घटा लो, सार्वंतरी तो निकालना है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 13 में से 7 गया तो कितना आया 6, तो इंटू कितना रहेगा 6। पक्षांतरण करना है, 7 घटा दो तो n माइनस वन इंटू 6 ये हो जाएगा 205,
और 205 में से कितना 7 घटाना है, और 205 में से 7 घटाओगे तो 198 शेष रहेगा, 198। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198। फिर क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1 बराबर 198 बटा 6, काट दो 6 तिया 18, 1 8 18 कितना आएगा 33। तो n माइनस 1 बराबर आ गया कितना 33। पक्षांतरण फिर वापस हो जाएगा, पक्षांतरण करोगे तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 कितना 34, n बराबर कितना हो गया 34। यानी इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है, आपने n मानी थी और n का मान कितना आ गया 34। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूँ पूछे पदों की संख्या कितनी है तो क्या करोगे, पदों की संख्या के लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना, वहाँ से आपको एन निकालना है, वहाँ से एन। और यूँ पूछ ले कि कौन सा पद इतना होगा तो भी क्या पूछोगे, तो क्या निकाल सॉरी तो भी क्या निकालोगे, एन ही निकालोगे। या यूँ कह दे कि सातवां पद कितना होगा, आठवां पद कितना होगा, तो क्या लिखोगे, ए एन निकालना पड़ेगा ना, तब ए एन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सीरीज बनी हुई है, सीरीज में प्रथम पद देख लीजिए कितना है 18। सीरीज को थोड़ा सा आप सोल्व कर कैसे लिख सकते हो, 18 15 सही 1 बटा 2 को आप लिख सकते हो 31 बटा 2, फिर 13 और ये सीरीज है -47 घटते हुए क्रम में, तो सार्वांतर नेगेटिव आएगा, साफ पता चल रहा है 18 फिर 31 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 15.5 और फिर 13 मतलब घटते हुए क्रम में, लास्ट में नेगेटिव पद आ रहा है तो सीरीज घटते हुए क्रम में सार्वांतर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो सार्वांतर कैसे निकालेंगे, सार्वांतर डी 31 बटा 2 और माइनस में कितना 18, एलसीएम ले लो 2 एलसीएम आ जाएगा, 31 18 दुआ माइनस का 36, 31 में से 36 गया तो माइनस का 5 रहेगा, तो माइनस का 5 बटा 2 यानी कितना रहे 2.5, माइनस का 5 बटा 2 या इसको माइनस का 2.5 भी लिख सकते हो। डी आ गया, एनवें पद का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर माना पदों की संख्या इसमें कितनी है एन है, तो ए एन बराबर ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद है कितना माइनस का 47, प्रथम पद कितना है 18, एन माइनस वन इंटू डी, डी नेगेटिव है तो इसको अलग ब्रैकेट में रख लेना, माइनस का 5 बटा 2। क्या करेंगे 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 47 और माइनस का ही 18, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 5 बटा 2 बराबर माइनस का 47 और माइनस का ही 18, दोनों को जोड़ दीजिए 8 और 7 15, 1 कैंसिल 4 5 और 1 6 65, माइनस का कितना आ गया 65, इधर कितना है n माइनस 1 इंटू माइनस का 5 बटा 2। ये देखिए इधर इधर मल्टीप्लाई में कितना है माइनस का 5 बटा 2, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बटा 5, निशान मत छोड़ना, निशान साथ में लेके जाना है, एन माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 65 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे हो जाएगा माइनस का 2 बटा 5, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 से काट दो 13, 13 पंजा 65, 13 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो गया 26, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 26, तो n माइनस 1 बराबर कितना 26, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो इसमें पदों की संख्या कितनी आई है 27 है इसमें पदों की संख्या, और इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है 34। पदों की संख्या पूछे तो ए एन वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ए एन बराबर ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से आपको इस सीरीज में पदों की संख्या एन पूछा है, डी आपके पास दिया हुआ है, प्रथम पद दिया, सीरीज बनी हुई है तो इसका मतलब आपको प्रथम पद दिया हुआ और डी भी मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट अगर पद लिखा हुआ है, या तो ये कह दे कि सातवां पद इतना है या सातवां पद ज्ञात करना, या लास्ट पद लिखा हुआ है जैसे 205, तो वहाँ पर आप एन की वैल्यू रख दो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या एक सीरीज दे दी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, अगर है तो आपको बताना है या नहीं, उसके बाद अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है वो कारण भी आपको बताना है। तो देखिए सीरीज देखिए 11 फिर 8 फिर 5, साफ पता चला है सीरीज क्या है घटते हुए क्रम में, मतलब एक पद नेगेटिव आएगा, क्या वो 150 होगा या नहीं जांच कर लेंगे, है पॉसिबल है क्या, तो वो देखिए कैसे जांच करेंगे। प्रथम पद आपको पता है प्रथम पद कितना है 11 है, सार्वांतर डी निकाल लीजिए
क्या करोगे, 8 माइनस 11 करोगे तो 8 में से 11 गया तो कितना आएगा, d आ जाएगा माइनस का 3। एक पद चेक करना है तो माना श्रेणी का एनवा पद माइनस 150 है, तो एनवे पद का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए वन प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है, माइनस का 150, प्रथम पद कितना है 11, एन माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस का 3। सोल्व करो इसको, इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस का और माइनस का 11, तो 150 और 11 कितना हो गया 161 हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको ट्रांसफ़र, n माइनस वन इंटू माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 150 और माइनस का 11, दोनों जुड़ेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 161 हो जाएगा। ये देखिए माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस 3 का पक्षांतरण कर दीजिए, माइनस का 3n बराबर माइनस का 161 और माइनस का 3 कितना हो गया 161 और 3 164, माइनस का 3n बराबर माइनस का 164, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3n बराबर 164 तो n बराबर कितना होगा 164 बटा 3, डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करना है तो n की वैल्यू देखना कितनी आएगी, 5 3 15 1 14 बनेगा, 3 चौका 12, फिर कितना बचेगा 2, यानी पॉइंट में आएगा 2 20 54 पॉइंट कितना बनेगा 6। क्या ऐसा संभव है क्या, एन का मान आपने कभी ऐसा पद सुना है कि 2.5वां पद 3.7वां पद, ऐसा संभव है नहीं है। कारण क्योंकि जो एन का मान है वो कैसा मान है, ये भिन्नात्मक मान है। कैसा है, भिन्नात्मक मान। और पद होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या होती है। क्या लिखोगे, एन का मान भिन्नात्मक है, एन का मान भिन्नात्मक है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। कारण यही है, भिन्नात्मक मान है जो कि क्या है, संभव नहीं। एन क्या होता है, एन एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है जिसको आप गिन सकते हो। जैसे किसी वस्तुओं को गिनते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, तो कभी आपने ऐसे गिना है क्या, ये 2.5वीं वस्तु है, ये 3.8वीं वस्तु है, ऐसा संभव है नहीं है। तो इसका रीज़न यही है, 150 माइनस 150 इसका कोई पद नहीं बनेगा, मतलब ये सीरीज चलती जाएगी पर इस सीरीज में 150 कहीं नहीं आएगा। इसका रीजन यही है कि n का मान क्या निकल रहा है, भिन्नात्मक मान निकल रहा है जो कि संभव है नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी का आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है और दो पद उसके दिए हुए, एक तो उसका दे दिया 11वां पद और एक दे दिया उसका 16वां पद 73, ठीक है। दो पद दिए हुए हैं, आपसे 31वां पद पूछा है। देखो जो पूछा है वो क्या पद, 31वें पद का मतलब आपसे पूछा है A31 पूछा हुआ है, A31 पूछा हुआ। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मतलब यहाँ पर प्रथम पद नहीं दिया हुआ, उसके बाद एन नहीं, एन का मान दिया हुआ है, एन कितना है 31 है ना, एन का मान दिया हुआ है पर डी भी नहीं दिया हुआ। अब आपको एक तो ज़रूरत पड़ेगी ए की और एक पड़ेगी ज़रूरत किसकी, डी की। ये दोनों कहाँ से मिलेंगे, ये दोनों ये जो दिए गए रिलेशन है इनसे मिलेंगे। तो लिखिए क्या दिया हुआ है, 11वां पद, और 11वां पद को आप क्या लिखते हो, A11 कितना दिया हुआ है 38 दिया है, A11 कितना दिया हुआ है 38, और 11वें पद को आप कैसे लिखते हो, पता है आपको, A प्लस में प्रथम पद होता है जहां पर 10D बराबर कितना दिया हुआ है 38, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 16वां पद A16 वो कितना दिया हुआ है 73, और 16वां पद कैसे लिखते हैं, A प्लस में 15D बराबर कितना दिया हुआ है 73। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। यहाँ देखिए आप,
इन दोनों में देखिए ए और डी में एक्वेशन है और दूसरी भी ए और डी में। देखिए दो चरों में दो रेखिक समीकरण है, आपको क्या करना है, हल करना है और ए और डी का मान निकालना है। या तो आप पक्षांतरण विधि से कर सकते हो या फिर आप विलोपन विधि से भी कर सकते हो। देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, गुणांक समान बनाना है। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, यहाँ देखिए गुणांक समान है, ए का एक का, और यहाँ भी एक का गुणांक कितना है एक, तो लिख दीजिए समीकरण एक व दो से क्या करोगे, समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, दो में से एक क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो दो कितनी लिखी, ए प्लस में 15 डी बराबर कितना दिया हुआ है 73, और एक कितनी लिखी हुई है, ए प्लस में 10 डी बराबर कितना दिया हुआ है 38। घटाओगे तो सभी निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, 15 और ये माइनस का 10 गिना जाएगा। अब 15 में से 10 गए कितने बच गए 5d, अब प्लस का 5d और इधर 73 में से 38 घटाने, 13 में से 8 गए कितना 5 और 6 में से 3 गए 3, यानी कितना बचा 35, 5d बराबर कितना है 35, 5d बराबर कितना है 35, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 35/5, 5 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, और 35/5 यानी कितना मिल जाएगा, 5 से काट तो 5, 7, और कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी मिल गई 7। अब देखो विलोपन विधि में यही काम करते हो, गुणांक समान बना दो, जोड़ दो या फिर उनको क्या कर दो, घटा दो, घटाने के बाद किसी एक चर का मान आपको मिल जाएगा, उस एक चर का मान चाहे समीकरण एक में रख दो और चाहे समीकरण दो में रखो, मर्जी आप। तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक क्या है, ए प्लस में 10d बराबर कितना लिखा हुआ है 38, और d का मान है कितना 7, तो ए प्लस में 10 × 7 बराबर कितना होगा 38, 10 × 7 करोगे तो 70 हो जाएगा, तो ए प्लस में 70 बराबर कितना 38, उधर पक्षांतरण जाएगा तो 38 में से 70 घटेगा तो कितना आ जाएगा 38 माइनस में 70, यानी कितना 40, 30, 32 बच जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का 32, किसका आएगा माइनस का 32, यानी प्रथम पद नेगेटिव आ रहा है, प्रथम पद माइनस का 32 है, और सारवंतर आपके पास डी कितना मिल गया 7। इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, पूछा हुआ क्या है 31वां पद, क्या पूछा है 31वां पद, तो लिख लेना पूछा है A31 क्या, A31, और A31 को कैसे लिखते हो भाई, A31 बराबर होता है A प्लस में 30d, और प्रथम पद है आपके पास कितना माइनस का 32 और प्लस में 30 × d की वैल्यू कितनी है 7, A31 माइनस का 32, 30 का 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 21 210, जोड़ देना दोनों को, जोड़ोगे तो कितना बचेगा 10 चला जाएगा, 22 ये 78, 100 कितना आ जाएगा 78, यानी 131 यानी 31वां पद कितना आ जाएगा भाई 178 होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझो इस क्वेश्चन को, दोबारा देख सकते हो आप, 31वां पद पूछा हुआ है, दो रिलेशन दे दिए, एक तो 11वां पद दे दिया और एक 16वां पद, जो दिए हैं उनको लिख लो, 11वां पद दिया हुआ कितना 38, 11वां पद आप जानते हो क्या होता है a प्लस 10d, और इसी प्रकार कौन सा 16वां पद कितना हो जाएगा a प्लस में 15d बराबर कितना दिया हुआ है 73। दो इक्वेशन है, दो चरों में दो रेखिक समीकरण है, विलोपन विधि सबसे आसान विधि वही है, उसी से कर लीजिए। विलोपन विधि के द्वारा क्या करेंगे, समीकरण दो माइनस में समीकरण है एक कर देंगे, दो में से एक घटा दोगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी, और डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की। ए और डी अगर आपके पास है तो किसी भी सीरीज का कोई सही पद आप लिख सकते हो। तो यहाँ से 31वां पद पूछा है, 62वां पूछ ले, 100वां पूछ ले, 1000वां पूछ ले, आप क्या ए और डी की सहायता से लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी में पद दिए हुए कितने हैं, 50। 50 पद है, मतलब आपको सबसे पहले इसने किसका मान दे दिया, एन यानी पदों की संख्या। एक सीरीज बन रही है और उसी सीरीज में कितने पद हैं, 50 पद। उसी सीरीज का तीसरा पद दिया हुआ है और उसी सीरीज का अंतिम पद। ये देखिए, अंतिम पद नाम लिखकर आपको कंफ्यूज कर रहा है। अंतिम पद का मतलब सीरीज में है कितने पद, 50। तो ये कौन सा पद है, ये 50वां पद है। कौन सा पद है, 50वां पद। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने अंतिम पद नाम दे दिया और उसी सीरीज का आपसे 29वां पद पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है जो 7 नंबर क्वेश्चन के, वो ये सेम। दो आपको दो डाटा दे दिया, एक तो तीसरा पद दे दिया, एक 50वां पद दे दिया और बीच में से कोई एक पद पूछ रहा है, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। पदों की संख्या दी हुई है, पदों की संख्या एन की वैल्यू दी गई है, एक तो कितने हैं 50, तीसरा पद दे दिया। तीसरा पद मतलब A3, और A3 कितना दिया, 12। A3 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस में 2D, ये 12 क्वेश्चन नंबर क्या दे दी, एक दे दी। आगे अंतिम पद, अंतिम पद मतलब अंतिम कौन सा होगा, 50 पद है तो 50वां ही होगा, यानी A15, यानी कौन सा, 50वां पद। A50 कितना दिया हुआ भाई, 106। और A50 को आप क्या लिख सकते हो, A50 को लिख सकते हो A प्लस में 49D, बराबर कितना दिया हुआ है, 106। क्वेश्चन नंबर क्या होगी, 2। वही सेम क्वेश्चन, दो चरों में दो रेखिक समीकरण हल कर लोगे, कौन सी विधि लगाओगे, विलोपन विधि। A A चला जाएगा तो क्या करोगे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, जैसे घटाओगे तो समीकरण दो लिख दो पहले, A प्लस में 49D बराबर है 106, और उसके नीचे समीकरण एक लिख दो, A प्लस में 2D बराबर कितना हो, 12। घटाओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये प्लस माइनस चला जाएगा। 49 में से 2 गया, कितना बचा, 47D, और इधर 106, और 106 में से 12 गए तो कितने बचे, 94। तो 47D बराबर कितना है, 94। 47D बराबर है 94, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 94/47, तो ये कट जाएगा 2 से, तो D की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। सार व अंतर मिल गया आपको कितने का, 2 का। अब क्या काम करना है, D की कोई एक वैल्यू, D की मिल गई चाहे A की मिले, उसको समीकरण एक में रख दो, D का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक लिख दीजिए पहले, A प्लस में 2D बराबर कितना दिया, 12। D की वैल्यू 2 है, रख दो इसमें, A प्लस 2×2 बराबर 12। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4। 4 उधर जाके 12 में से घट जाएगा, तो 12 माइनस कितना, 4। तो A की वैल्यू आ गई कितनी, 8। D की वैल्यू कितनी है, 2। यानी प्रथम पद आपको दिया हुआ है किसी भी सीरीज का, सार व अंतर भी दे दिया। आप कौन सा पद लिख सकते हो, मर्जी आपकी, कौन सा भी पद लिख सकते हो। ये कौन सा पूछ रहा है, 29वां पूछ रहा है, तो 29वां कैसे लिखते हो, 29वां A प्लस में 28D, ये और ये एक ही बात है, A प्लस एन माइनस 1×D वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n की जगह कितना रखोगे, 29, और 29 रखोगे तो 29-1 होगा तो कितना होगा, 28D, यानी A प्लस में कितना बनेगा, 28D ही बनेगा। तो A प्लस 28D, A प्रथम पद है, निकाला आपने कितना है, A 29 ज्ञात करना है, प्रथम पद कितना है, 8 है, और 28×D भी आपने निकाला कितना, 2। तो 28 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28×2=56, तो 8 प्लस में 56, 56 और 8 कितने हो गए, 64, यानी A 29 29वां पद कितना हो गया, 64 हो गया। क्या लिख दोगे, अतः श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो आपने पीछे किए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एपी यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद है माइनस का 8, और उसी श्रेणी का कौन सा पद है वो शून्य बनेगा, कौन सा पद शून्य बनेगा। तो यहाँ देखिए, तीसरा पद पॉजिटिव दिया हुआ है, 9वां पद कितना है माइनस का 8, मतलब ऐसी सीरीज बन रही है जिसमें तीसरा पद कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पद है वो कितना दिया, 4, ऐसे चलती जा रही है, और 9वां पद है वो कितना है माइनस 8, यानी ये सीरीज क्या हो गई, घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम में मतलब तीसरे से नौवें के बीच में कहीं ना कहीं जीरो बनेगा, कहीं ना कहीं जीरो बनेगा। कैसे, देखिए कि 4 है और माइनस 8, 4 और माइनस 8 के बीच में जीरो आता है ना, 4 और माइनस 8 के बीच में जीरो आएगा। वो ये पूछ रहा है देख, वो जो जीरो बनेगा वो कौन से क्रम पर होगा, जीरो जो बनेगा वो कौन से क्रम पर होगा, वो क्रम आपसे पूछा है, क्रम आपसे पूछा है। तो मान लेना आप क्या कि अनवा पद है वो क्या है जीरो, यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, और वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत आसान है, देखिए इसको समझे कैसे करेंगे। तीसरा पद दिया हुआ ना ए थ्री, जो दिया हुआ लिख दो, ए थ्री लिखा है, ए थ्री कितना दिया, 4, ए थ्री को आप लिख सकते हो क्या, ए प्लस में 2d, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट 9वां पद, 9वां पद मतलब ए नाइन लिखा है ना, तो ए नाइन कितना है माइनस का 8, आप 9वां पद कैसे लिखते हो, ए प्लस में 8d बराबर कितना माइनस 8, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, जो 7वां और 8वां क्वेश्चन आपने सोल्व किया वही है। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, 2 माइनस में समीकरण 1, आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर a प्लस में 8d बराबर माइनस 8, ये इक्वेशन सेकंड है, और a प्लस में 2d बराबर 4, ये इक्वेशन फर्स्ट, घटाओगे यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये देखिए प्लस माइनस चला जाएगा। अब 8 प्लस का 2 माइनस का कितना बच गया, 6, किसका प्लस का, तो 6d, और इधर ये 8 माइनस का है और ये 4 भी किसका बन गया माइनस का, 8 और 4 कितने हो गए 12, तो माइनस के 12, यानी 6d बराबर कितना है माइनस का 12, तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, d की वैल्यू माइनस का 12 बटा 6, यानी d की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का कितना 2, काट दोगे 6 कम 6, 6 दुआ 12, तो सर्वांतर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, तो मतलब सीरीज घटते हुए क्रम में ही है। तो आप यहाँ से d की वैल्यू किसी एक में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर जो इक्वेशन कैलकुलेशन की दृष्टि से आपको छोटी लग रही है उसी में रख दीजिए। यहाँ देखिए क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d बराबर कितना है 4, d की वैल्यू माइनस तो रख दीजिए, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर कितना 4, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो तो माइनस का 4, तो a माइनस 4 बराबर कितना 4, 4 उधर जाएगा तो किस प्लस का हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, तो प्रथम पद यहाँ से आपको कितना मिल गया 8 मिल गया ना। अब पूछा हुआ क्या, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान सकते हो आप अनवा पद क्या होगा शून्य, तो ए एन की वैल्यू है वो अब की बार आपको कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है जीरो दी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू जीरो है तो ए एन का फॉर्मूला लगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जीरो बन रहा है, ये जीरो बन रहा है, और यहाँ से आपको कौन सा पूछा है ना, इसका मतलब क्या पूछा है, अनवा पद पूछा है। प्रथम पद देख लीजिए इसका कितना था 8, और n का मान पूछा है तो n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी अभी आपने निकाली, कितनी माइनस का 2, पक्षांतरण कर लीजिए, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये प्लस का 8 है इधर आएगा तो माइनस का 8, अब देखिए आगे n माइनस 1 माइनस का 8, ये 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग यानी माइनस का 2, कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा तो कितनी बार 4 बार, तो n माइनस 1 बराबर कितना 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो पांचवां पद कौन सा पद आएगा, पांचवां पद वो क्या होगा शून्य। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था तीसरे और नौवें पद के बीच में कोई ऐसा पद आएगा जो क्या बनेगा शून्य बनेगा। तो क्या लिख सकते हो, अतः श्रेणी का
पांचवा पद शून्य बनेगा, पांचवा पद शून्य बनेगा या शून्य होगा, शून्य बनेगा या शून्य होगा। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पजल करने के लिए इसने ये शून्य दे दिया, या फिर कौन सा पद 61 होगा, अभी 63 होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। आपको सिर्फ घुमाने के लिए इसने कौन सा पद शून्य ऐसा नाम दे दिया कि वर्डिंग आए वो समझ में ना आ सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।